करीना और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रदेश तक। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के नूह से सोमवार को शुरू हुई हिंसा की आग अब तक बुझी नहीं है, लेकिन बवाल का असर नूह से 8-9 जिलों तक फैल गया। देखने को मिल रहा है कि 31 जुलाई को हरियाणा के मेवात नूह इलाके में एक धार्मिक यात्रा ब्रजमंडल जलाभिषेक निकलने के दौरान इस पर पथराव हुआ और देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो समुदायों के बीच हुई हिंसा व बवाल के बाद पूरे हरियाणा में तनाव की स्थिति बनी हुई है। लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की। आपको बता दें कि सांप्रदायिक हिंसा में 2 होमगार्ड समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई। हंगामे के दौरान उपद्रवियों ने सैकड़ों वाहनों को आग में फूंक दिया। दुकानों, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक संपत्ति में जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे असामाजिक तत्वों ने हिंसा भड़काई और बेखौफ होकर हंगामा करते रहे। इतना ही नहीं, एक मंदिर में सैकड़ों लोगों को बंधक तक बनाया गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे हैं, लेकिन प्रशासन गहरी नींद में सोया रहा। आखिरकार एक लंबी नींद के बाद पुलिस और प्रशासन जगा और उपद्रवियों की तलाश के लिए छापेमारी शुरू की। मीडिया रिपोर्ट्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेवात में हिंसा को लेकर अब तक कुल 26 FIR दर्ज की जा चुकी है, जबकि 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बिगड़ते हालत को देखते हुए राज्य के 9 जिलों में धारा 144 लागू करनी पड़ी। आपको बता दें कि बजरंग दल ने हिंसा के विरोध में आज देशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। हरियाणा के इस घटना का असर जम्मू से लेकर दिल्ली यूपी तक देखने को मिल रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर पर चक्का जाम कर जोरदार हंगामा किया। तो उधर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भोपाल समेत कई शहरों में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। धीरे धीरे सांप्रदायिक हिंसा से शुरू हुआ यह मामला अब सियासी रूप ले रहा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने घटना पर नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जानते थे कि राज्य में हिंसा होने वाली है। यह सरकार की सोची समझी साजिश है, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट खट्टर सरकार के पास था, फिर उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। आइए सुनते हैं कांग्रेस नेता ने क्या कुछ कहा। मेवात में हो रहा है, मानेसर और गुड़गावा में हो रहा है, जिस प्रकार की हिंसा की खबरें आ रही हैं, जिस प्रकार की आगजनी की खबरें आ रही हैं, लोगों के घायल होने की खबरें, भाजपा जजपा की सरकार जुम्मेवार है। खुद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जुम्मेवार हैं, जो कानून व्यवस्था पर काबू नहीं कर पा रहे या जानबूझकर कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाजत दी जा रही है। मैं अपील करता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से दोनों पक्षों को कि हिंसा किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं। हिंसा करने वाले तत्वों के खिलाफ, वो किसी भी धर्म या जाति से हो, कड़ी कार्रवाई हो। खुद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को पूरे मामले का संज्ञान लेकर आगे आकर सभी पक्षों को वार्तालाप के लिए बुलाया जाना चाहिए और जो व्यक्ति हिंसा के अंदर शामिल पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें प्रदेश तक के साथ। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। और खबर से जुड़ा अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें।